नमस्ते जोहार, मैं अविनाश मार्डी आज आप लोगों के साथ एक ऐसे इंसान के विषय में चर्चा करूंगा जिनके बिना इस देश का इतिहास अधूरा ही रहेगा। इन अब संस्कृति और महान होड़ आलो हिड़िंग को अब उनके नियर योगदान मा करें। हम अपने देश के संस्कृति और महानता को कहीं भूल ना जाए, इसीलिए मैं अपना योगदान दे रहा हूँ ताकि हम उन्हें याद रखें। सन 1855 की बात है, जब अंग्रेजों के अत्याचार से हम भारतवासी तंग आ चुके थे। उनके शोषण के कारण हमारे दिल में आजादी पाने की ज्वाला धधक उठी थी और इसी प्रकार महान शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने हटिया में अपनी राजधानी बनाई। सिंहासन पर बैठने के साथ साथ ही उन्हें यह अनुभूति होने लगी कि हम तो बस नाम मात्र के राजा हैं, असली शक्तियां तो अंग्रेजों के हाथों में है। और यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी। ठाकुर ने सर्वप्रथम सन 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का पहला बिगुल फूंका। उनके तलवार के धार के सामने अंग्रेज भाग खड़े हुए और इसी दौरान अंग्रेजों के आधा से ज्यादा सिपाही मारे जा चुके थे। सन 1857 का समय आया, देश के भाग्य ने पलटा था। अब तक चारों तरफ से सभी जाति और पंथों के लोगों ने इनका साथ दिया। मुंडा, उराव और क्षत्रिय के साथ साथ अन्य जाति के लोग भी इस युद्ध में शामिल हो चुके थे। हम भारतवासी कुछ हद तक कामयाब हो चुके थे। हमने रांची पर अपना विजय ध्वज लहरा दिया था, परंतु हमारे ही कुछ अपनों ने अंग्रेजों के दिए लालच के सामने घुटने टेक दिए और इसी प्रकार ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी को पकड़ लिया गया। उन्होंने जेल में रहकर भी अपने आजादी के ज्वाला को बुझने नहीं दिया और अपने प्रयास को जारी रखा। लेकिन 16 अप्रैल 1858 को उन्हें कमिश्नर ने फांसी की सजा सुना दी। तत्पश्चात इसी दिन उन्हें जेल में लाकर कदम के एक मोटे डाली में टांग कर फांसी दे दी गई। तो ये था एक महान क्रांतिकारी की कहानी जिनके बारे में शायद ही हमने कभी किसी स्कूल के इतिहास की किताबों में पढ़ा हो। तो अगली बार फिर मिलते हैं किसी और जगह हमारे देश के गौरव गाथाओं के साथ।